सभी छात्रों को नमस्कार। मैं संदीप यादव जय कोचिंग क्लास शिक्षक हूँ। जैसा कि ऑनलाइन सिस्टम आज से प्रारंभ होगा, आपका विद्वत चलेगा, रेगुलर चलेगा। और प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग में आप कलम से करना, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन, चित्रा भी पढ़ा था मैथ में, ऑफलाइन जो भी पढ़ा था, वो सब अलग रख देना। आप नए सिरे से चलते हैं, रेगुलर क्लास चलेगी अब कलम की। तो बेटा, मैंने वैसे ऑफलाइन में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ऑफलाइन क्लास तीसरा पढ़ा दिया है, चौथा पढ़ा दिया है, पांचवा पढ़ा दिया है, दसवां पढ़ा दिया है, और ग्यारहवें चैप्टर की दो एक्सरसाइज हो गई, इतना हो, और एक आपकी प्रोबेबिलिटी, तेरहवां चैप्टर इतना हमने ऑफलाइन पढ़ लिया। जिन भैयाओं ने, जो बच्चे नए जुड़े हैं, उनको भी ये चैप्टर कराए जाएंगे। वैसे मैंने इतने चैप्टर करा दिए, ठीक है। तो आज मैं पांचवें चैप्टर से पुनः स्टार्ट करता हूं। एक तरह से जिन भैयाओं ने पढ़ लिया है उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका स्टार्टिंग से ही होगा। तो बेटा, पांचवां चैप्टर है आपका अवकलन, और ध्यान रखना, अवकलन और समाकलन ये आप 44 नंबर की आती है। अवकलन और समाकलन बेटा 44 नंबर का आता है ये टॉपिक। पूरा पेपर 100 का होगा, उसमें से 44 नंबर के ये होंगे और 56 नंबर का अदरवाइज होंगे। ध्यान रखना, तो इस वजह से इस चैप्टर को जरा ध्यान से ही पढ़ना। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संतत असंतत। तो बेटा, संतत असंतत के बारे में जानकारी दे दूं मैं। संतत और एक होता आपका असंतत। तो बेटा, संतत क्या होता है? हम फलन का मान निकालें, फलन यानी कि एफ एक्स, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालें यानी कि एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा, फिर आरएचएम निकालें राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों बराबर आते हैं, एफ एक्स, एल एच एल, आर एच एल, तीनों अगर बेटा बराबर आते हैं तो हमारा फलन संतत होगा। तीनों में से अगर कोई एक बराबर नहीं आया, तीनों में से अगर कोई एक बराबर नहीं आया तो हमारा फलन असंतत होगा। ध्यान, तो क्या समझे बेटा, ये पहले मैं एफ एक्स का मान निकालूंगा, एफ एक्स का मान यानी कि फलन का मान, एल एच एल का मान, आर एच एल, तीनों बराबर आते हैं तो संतत होगा, तीनों बराबर नहीं आए तो असंतत। तो एक्सरसाइज पहली में हम यही चीज पढ़ेंगे, संतत असंतत। अब चलिए, जैसे क्वेश्चन एक करा के दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है आपका पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए फलन, फलन को हम एफ एक्स से इंडिकेट करेंगे, एफ एक्स बराबर 5x-3। फलन दिया 5x-3, और क्वेश्चन ये कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 5 पर संतत है। इस सवाल में बेटा तीन क्वेश्चन है, एक x बराबर 0 का, एक x बराबर 3 का और एक x बराबर 5 का। तीनों क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना कि x बराबर 3 पर ये संतत है, कि x बराबर 5 पर है, कि x बराबर 3 या x बराबर 0 पर। हल करेंगे यहां से समय में। सबसे पहले मैं x बराबर 0 से स्टार्ट करता हूं, तो यहां लिखूंगा x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सबसे पहले किसका मान निकालेंगे बेटा, fx का मान निकाला था ना,
फिर एल एच एल का मान निकाला करना, फिर आर एच एल का मान निकाला करना, एफ एक्स का मान, एल एच एल का मान, आर एच एल का मान, ये तीनों मान निकाला करें। तो पहले मैं एफ एक्स का मान निकालता हूं, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, पांच एक्स माइनस तीन, तो एफ एक्स बराबर पांच गुणा एक्स का मान कितना बेटा जीरो माइनस तीन, एफ एक्स बराबर माइनस तीन बचेगा ये जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स का मान बेटा माइनस तीन आ गया। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा ध्यान देना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं यहां लिखूंगा लिमिट, यहां लिखूंगा एक्स, यहां लिखूंगा टेंस टू, इसे बोलते हैं टेंस टू, एक्स टेंस टू कितना मान है जीरो है, एक्स का मान जीरो पर है ना, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगा दिया करना, राइट हैंड पर प्लस लगाया करेंगे, और यहां लिख दिया करना एफ एक्स लिमिट। एक दो क्वेश्चन में समस्या आएगी, ध्यान रखना इस तरह से लिखा करेंगे, एल एच एल आर एच एल निकालेंगे प्लस आ जाएगा बस, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स का मान कितना बेटा पांच एक्स माइनस तीन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अभी कौन सी क्यों, जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाएगा लिमिट को हम चेंज कर दिया करें। अब आप कहोगे सर तो किसमें चेंज करें, तो एफ एक्स का मान हमने रख दिया, लिमिट को हम यहां से हटा करके एच टेंस टू जीरो किया करेंगे, ध्यान रखना एफ एक्स का मान रखते ही एच टेंस टू जीरो। अब देखना बेटा पांच के स्थान पर पांच, एक्स को भी चेंज करेंगे, अब एक्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहां देखा करो ऊपर जीरो माइनस लिखा है ना, तो यहां लिख दो जीरो माइनस बीच लगा दो एच, यहां लिखो जीरो माइनस पीछे लगा दो एच, एक्स के स्थान पर ये लिख दिया करेंगे माइनस बी, लिमिट में एच का मान रख दो जीरो, तो लिमिट रख रहे हैं तो यहां से लिमिट हटा देना, पांच कोष्टक जीरो माइनस एच का मान कितना जीरो और माइनस तीन, पांच का गुणा जीरो में करेंगे जीरो रहेगा माइनस तीन, तो माइनस तीन आ गया, ये आपका एल एच एल का आंसर। अब निकालेंगे बेटा आर एच एल, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, समझना आर एच एल निकालेंगे राइट हैंड लिमिट है, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू कितना मान है, एक्स का मान जीरो है ना, तो एक्स टेंस टू जीरो और राइट हैंड है तो प्लस लगा देना, और यहां लिख देना एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स का मान कितना बेटा पांच एक्स माइनस तीन, यहां लिख दो पांच एक्स माइनस तीन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अभी मैंने एक चीज बताई थी बेटा कि जैसे ही एफ एक्स का मान रखे, एफ एक्स का मान रख जाएगा वहीं से लिमिट यहां से चेंज कर देंगे, लिमिट क्या लिख देंगे हम एच टेंस टू जीरो, लिमिट लिख देंगे एच टेंस टू जीरो, कब लिखेंगे जब एफ एक्स का मान रख जाए। अब पांच की जगह पांच, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे जीरो प्लस लिख रहा है ना, यहां देखा करो जीरो प्लस है तो यहां लिख दो जीरो प्लस, पीछे क्या लगा दो एच और माइनस तीन है माइनस तीन, एच का मान जीरो रख दो तो पांच कोष्टक जीरो प्लस, और लिमिट मत लिखना फिर क्योंकि एच का मान हम रखने जा रहे हैं, तो एच का मान जीरो और माइनस तीन, पांच का गुणा जीरो में करेंगे जीरो माइनस तीन तो माइनस तीन ही आएगा। अब जरा ध्यान देना बेटा, एफ एक्स का मान माइनस तीन आया, एल एच एल का मान माइनस तीन आया, आर एच एल का मान माइनस तीन आया, तीनों कैसे आए बराबर, यहां लिखेंगे चूंकि एफ एक्स का मान, एल एच एल का मान और आर एच एल का मान तीनों मान बराबर आए हैं, इसलिए जीरो पर फलन
संतत है। ये हो गया आपका पहला पार्ट जीरो वाला। अब मैं करूंगा x बराबर 3 पर, समझ लो। तो x बराबर 3 पर पहला पार्ट हो चुका है आपका। अब स्टार्ट करेंगे x बराबर 3 पर, समझ लो। एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर बिल्कुल नहीं आने देंगे। अब स्टार्टिंग है x बराबर 3 की। तो बेटा मैं लिखूंगा पहले x बराबर 3 पर, जीरो वाला तो हो गया पूरा। अब x बराबर 3 पर तीनों चीजें तो निकालते दे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? fx। fx का मान कितना है? 5x माइनस 3। तो fx बराबर 5 गुणा एक्स का मान कितना बेटा? 3 माइनस 3। एफ एक्स बराबर 15 माइनस 3। तो एफ एक्स बराबर 15 में से 3 गए तो आपको बचेंगे 12। तो जी आ गया एफ एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स का मान कितना आ गया? 12। सवाल में माइनस 3 दिया हुआ है तो माइनस 3 कर लेना। सवाल में माइनस 3 है तो यहां माइनस 3 करता हूं। तो 5 15 माइनस 3 और माइनस 15 तो माइनस के 18 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब आपने x बराबर माइनस 3 पर पहले बेटा क्या निकाला? एफ एक्स का मान निकाला। अब क्या निकालेंगे? एल एच एस। तो यहां लिखेंगे एल एच एस, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिटर तो यहां लिखना लिमिटर, x टेंज टू लिख दिया करना। x टेंज टू कितना लिखेंगे? यहां देखा करो कितना मान है, माइनस 3 है तो x टेंज टू माइनस 3 लेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऊपर एक माइनस वाला लगा दिया करना, समझ गए? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखी, x टेंज टू लिखा और यहां देखो माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखा, ऊपर माइनस लगा दो क्योंकि लेफ्ट हैंड है। और यहां एफ एक्स आपका जैसा का तैसा। लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 3 माइनस। अब एफ एक्स का मान कितना बेटा? 5x माइनस 3 है तो यहां लिख देंगे 5x माइनस 3। जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाएगा लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट चेंज करेंगे बेटा, लिमिट चेंज करना तो क्या हो जाएगी? एच टेंड टू 0, 5 है 5, x के स्थान पर क्या लिखेंगे? x के स्थान पर भी मैंने बताया था जब लिमिट चेंज होती है तो x के स्थान पर भी चेंजिंग लानी पड़ती है। तो x के स्थान पर क्या लिखें? तो यहां देखा करो माइनस 3 माइनस, माइनस 3 माइनस, तो माइनस 3 माइनस और पीछे लिख दिया करना h। और ये माइनस 3 जैसा का तैसा। लिमिट में h का मान 0 लगा दो तो 5 माइनस 3 और एच का मान 0 लगाया और माइनस 3, 5 दिया माइनस का 15 और 0 का कोई महत्व नहीं, माइनस 3 तो आपके हो जाएंगे माइनस 18। समझ में आया होगा। अब निकालेंगे आर एच एस, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट है तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना मान दिया बेटा x का? x टेंड्स टू कितना मान दिया है? माइनस 3। तो यहां लिख देना माइनस 3 और राइट हैंड है तो क्या लगेंगे? प्लस और लेफ्ट हैंड पर माइनस। अब एफ एक्स, समझ आ रहा है ना सबको? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स का मान क्या रखें? एफ एक्स का मान यही एक है, यही रख दो 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे? लिमिट जैसे ही एफ एक्स का मान रख जाएगा लिमिट चेंज कर दिया है। लिमिट क्या लिखेंगे? एच टेंड्स टू 0। हर बार यही रखा करना जैसे ही एफ एक्स का मान रख जाए तुरंत। अब 5 के स्थान पर 5, एक्स ये क्या लिखेंगे? माइनस 3 प्लस एक्स, ये पे क्या लिखेंगे? माइनस 3 प्लस है ना, तो माइनस 3 प्लस पीछे क्या लगा देंगे? एच। और ये माइनस 3 जैसा का तैसा। लिमिट रख दो
एच का मान जीरो तो ये लिमिट हटा देगा, तो पांच माइनस तीन एच का मान जीरो रख दो यहां, और माइनस तीन पांच दिया माइनस का पंद्रह और जीरो का कोई वैल्यू नहीं, माइनस तीन कितना आ गया माइनस का अठारह। देखिए ध्यान से एफ एक्स का मान माइनस अठारह आया, एल एच एल का मान माइनस अठारह आया, आर एच एल का मान माइनस अठारह आया, तो यानी कि तीनों कैसे आए, चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए एक्स बराबर माइनस तीन पर फलन संतत है। अब इसी तरह से एक्स बराबर पांच वाला बेटा आप अपने आप घर से प्रैक्टिस करना, तीनों बराबर आएंगे तो सही कर रहे होने का गलत कर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका ये आया है, दूसरा क्वेश्चन है, ये मैथ मनोरे वाला मैथ है, ठीक है, मैथ एनसीईआरटी नहीं है, मनोरे का मैथ है, रतन प्रकाशन वाला, वो मैथ ले लें आप, उसी से ही कराऊंगा मैं। प्रश्न ये कह रहा है कि x बराबर तीन पर फलन एफ एक्स बराबर टू एक्स वर्ग माइनस वन के सांतत्य की जांच करो। सांतत्य का मतलब होता है ये बताना है कि फलन संतत है या असंतत। तो संतत कब होगा बेटा, जब तीनों ये तीनों बराबर आ जाएंगे, एफ एक्स का मान एल एच एल का मान आर एच एल का मान अगर तीनों बराबर आते हैं तो फलन संतत होगा, तीनों बराबर नहीं आए तो फलन संतत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले x बराबर तीन ही तो दिया है इसमें, तो हल करेंगे यहां से x बराबर तीन पर, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो यहां लिखूंगा एफ एक्स बराबर कितना दिया आपको टू एक्स वर्ग माइनस वन, समझना एक्स का मान तीन रख दो तो एफ एक्स बराबर दो गुणे एक्स का मान तीन है, तीन रख दिया वर्ग है वर्ग माइनस वन, एफ एक्स बराबर दो गुणे तीन का वर्ग नौ माइनस वन, एफ एक्स बराबर दो ने अठारह और उसमें से एक हटाना सत्रह बचेंगे, तो ये आ गया आपका एफ एक्स का मान। अब क्या निकालेंगे बेटा, एल एच क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, वो तो देखना एल एच एल निकालने का प्रयास करेंगे, समय कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स टेंस टू लिखेंगे, अब यहां देखो x का मान कितना दिया तीन दिया है, तो यहां लिखो तीन और एल एच एल है तो ऊपर माइनस लगा दिया करना, आर एच एल होगी तो प्लस लगा दिया करेंगे, और यहां आपका f x देखना लिमिट x टेंस टू तीन माइनस एफ एक्स का मान कितना बेटा, एफ एक्स का मान है टू एक्स वर्ग माइनस वन, यहां लिख दो टू एक्स वर्ग माइनस वन, देखना लिमिट एक्स टेंस टू तीन माइनस, अभी मैंने बताया था कि जैसे ही एफ एक्स का मान रखा जाए, जैसे ही एफ एक्स का मान रख जाए तुरंत लिमिट चेंज कर दिया कर, तो यहां देखो जरा मैंने एफ एक्स का मान रख नहीं दिया, ये एफ एक्स का मान रख दिया तो यहां से लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो यहां लिमिट क्या पहुंच जाएगी एच टेंस टू जीरो, लिमिट हमेशा यही चेंज होगी एच टेंस टू जीरो। अब यहां पे क्या करेंगे, दो की जगह दो एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, अब बात ये उठ रही एक्स ए में क्या लिखें, तो यहां देखा करो आप ऊपर तीन माइनस है तो एक्स ए में लिख दो तीन माइनस, तीन माइनस है तो एक्स ए में लिख दो तीन माइनस, और पीछे अपनी तरफ से क्या लगा दिया करना एच, और जब वर्ग लगाए ऊपर वर्ग एक्स के स्थान पर ये लिख दिया और माइनस वन आपका ये जैसा का तैसा, लिमिट रख दो यहां पे जीरो, तो दो कोष्टक तीन माइनस एच का मान जीरो जीरो रख देंगे वर्ग वर्ग माइनस वन, दो कोष्टक तीन में जीरो क्या तीन और वर्ग वर्ग माइनस वन, तो दो गुणा तीन का वर्ग नौ माइनस वन, दो ने अठारह अठारह में देख गया सत्रह, एल एच एल निकाल दी। अब क्या निकालेंगे बेटा, आर एच एल राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, x का मान कितना बेटा 3 है ना, तो x का मान लिख दो 3। अब राइट हैंड है तो ऊपर प्लस के माइनस, राइट हैंड है तो प्लस, और यहां आप fx ऐसा का तैसा, समझ रहे होंगे आपको। लिमिट है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx का मान क्या रख दें बेटा, fx का मान ये दिया 2x वर्ग माइनस 1, तो यहां ये तो 2x वर्ग माइनस 1। जैसे ही fx का मान रखा जाए आप लिमिट चेंज कर दोगे तुरंत। लिमिट चेंज करेंगे तो देखना, लिमिट चेंज क्या करेंगे, यहां x टेंड्स टू लिखा वहां लिखेंगे h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू किया लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और 2 की जगह 2, x के स्थान पर बेटा क्या लिखेंगे, तो यहां देखा करो 3 प्लस है, तो 3 प्लस पीछे क्या लगा दो h, और होल वर्ग है होल वर्ग माइनस 1 है माइनस 1। अब लिमिट h का मान 0 यहां रख दो, तो 2 कोष्टक 3 h का मान 0 रखेंगे वर्ग वर्ग माइनस 1, लिमिट हटा देना, तो 2 कोष्टक 3 और 0 3 रहेगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और माइनस 1 दो निम 18 और एक हटाना 17, बताना fx का मान 17, LHL का मान 17, RHL का मान 17, तीनों कैसे आए बराबर आए, तो यहां लिखेंगे चूंकि fx का मान बराबर LHL का मान बराबर RHL का मान, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत है, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखना, देखिए बेटा अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संतत की जांच कीजिए, हमें संतत की जांच करनी है कि कौन सा क्वेश्चन संतत है कौन सा नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़े थे बेटा उसमें एक्स की वैल्यू दी जाती है, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 3 पर, इस तरह से वैल्यू दी जाती थी, लेकिन इस सवाल में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि संतत की जांच करनी है कौन सा संतत है कौन सा नहीं। जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी जाए, ध्यान रखना पॉइंट बना लेना, जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी जाए तो संतत की जांच कैसे करते हैं ये समझ, यदि फलन बहुपद होगा तो वह संतत होगा, और अगर बहुपद नहीं होगा तो वह असंतत होगा। मेरी बात समझे, यदि फलन बहुपद होगा तो वह संतत होगा, और यदि बहुपद नहीं होगा तो असंतत होगा। अब बात ये उठ रही है सर बहुपद होता क्या है, बहुत से बच्चे बहुपद नहीं जानते, तो बहुपद क्या होता है बेटा, बहुपद होता है जैसे कि x की घात अगर प्लस में है, सीधी परिभाषा में तो बताता हूं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर x की घात प्लस में है तो वो बहुपद है, x की घात कहीं पे भी अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं, x की घात अगर प्लस में है तो बहुपद है, x की घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिख दिया x प्लस x की घात 10, इसमें देखना बेटा कहीं पे भी x की माइनस घात है, यहां पे भी कुछ नहीं तो प्लस 1 है, और यहां तो प्लस 10 ही है, तो ये बहुपद है। अगर मैं लिख दूं x प्लस 1 अपॉन x, तो x प्लस यहां से आप क्या करोगे, ये प्लस का मान नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए, तो प्लस का वन नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का वन, और जैसे ही घात माइनस की हुई तो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है तो ये संतत भी नहीं है, क्योंकि माइनस में घात है। तो दिसमय हो गया कि जिसकी घात x की घात अगर प्लस में है तो बहुपद है, x की घात माइनस में है तो बहुपद नहीं है, और जो बहुपद होता है
वही संतत होता है, जो बहुपद नहीं होता वो असंतत होता है। अब आ जाइए सवाल, यहां देखो जरा ध्यान से, x की घात प्लस में ही है, प्लस में है, माइनस तो नहीं है। यहां देखना, चूंकि x माइनस पांच एक बहुपद है, इसलिए एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर संतत होगा। बस हो गया, इतना ही लिखना है इसे। अब ये शब्द मैंने लिखा एक्स के प्रत्येक मान पर, आप क्या करना, प्रैक्टिकल कर लेना, एक्स बराबर एक पर ले लो, चाहे एक्स बराबर माइनस एक पर, एक्स बराबर जीरो पर, चाहे एक्स बराबर तीन पर, किसी पर भी ले लो इसको। अभी जो सवाल किए थे मैंने, पहला वाला दूसरा वाला पार्ट, उसी तरह से करना कि एक्स बराबर एक पर संतत ही नहीं मिलेगा, चाहे माइनस दो ले लो संतत नहीं मिलेगा, तीनों बराबर आएंगे इससे। तो अगर एक्स का मान नहीं दिया हो तो हम सिर्फ बहुपद पहचानेंगे, अगर फलन बहुपद है तो संतत होगा, बहुपद नहीं है तो असंतत होगा। तो यहां पे एक्स का प्लस है तो ये फलन बहुपद है, और बहुपद है तो एक्स के प्रत्येक मान पर यह संतत होगा। अब यहां देखना बेटा, ये प्लस का वन नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल, प्लस का वन नीचे से ऊपर जाएगा भट्टे में तो माइनस वन हो गया, और अगर घात माइनस की हो गई तो ये बहुपद नहीं है, चूंकि यह बहुपद नहीं है, चूंकि यह बहुपद फलन नहीं है, इसलिए एक्स के प्रत्येक मान पर यह असंतत होगा। क्यों नहीं बहुपद बेटा, क्योंकि माइनस की घात है। अब इसे देखो, इसमें पहले ऐसे मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। एक्स वर्ग एक्स और पच्चीस पांच का वर्ग होता है ना बेटा, पच्चीस पांच का वर्ग होता है बट्टे एक्स माइनस पांच जैसा का तैसा। एफ एक्स है एफ एक्स, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, आपने सूत्र पढ़ा होगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग क्या होता है, ए धन बी ए ऋण बी, ए वर्ग माइनस बी वर्ग होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम पांच, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स माइनस बी कौन है पांच है, और नीचे आपका ये एक्स माइनस पांच जैसा का तैसा। बेटा एक्स माइनस पांच से एक्स माइनस पांच कट गया, क्या बचेगा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस पांच, घात प्लस में ही है ना, तो यही सवाल हो गया, सेम यही सवाल हो गया ना पहला वाला, तो घात प्लस में है तो यहां लिखेंगे चूंकि यह फलन बहुपद है इसलिए एक्स के प्रत्येक मान पर यह संतत होगा। इसे देखिए, इसमें भी घात प्लस की है, तो चूंकि यह फलन बहुपद है इसलिए एक्स के प्रत्येक मान पर यह फलन संतत होगा। इस तरह से आपका तीसरा पार्ट हो गया। ध्यान रखना, जब x का मान दिया हो कि x बराबर एक पर ज्ञात किए तो fx निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और जब x के मान नहीं दिए हो तो हम फलन बहुपद देखेंगे, अगर घात प्लस में है तो संतत होगा, यानी बहुपद होगा तो संतत होगा, घात माइनस में बहुपद नहीं होगा तो असंतत होगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो बेटा आज की क्लास में इतनी रखूंगा, आज पहला दिन था तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी एफबी पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में शेयर करें कि मैथ की क्लास डेली 9 से 10 चलिया करेगी, आज सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, कल से रेगुलर आपकी एक घंटे की क्लास लगनी, ठीक है। जितने भी बच्चे हो बता दें अपने दोस्तों को, यहां से आगे प्रक्रिया मैं कल उठाऊंगा और रेगुलर अवकलन पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में अवकलन आपका समाप्त में कर दूंगा, पर रेगुलर आना है इसी टाइम, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।